डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी सारी गंदगी फेंकी गई है, और ये नज़ारा हम लोगों को ज़्यादातर बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े नगरों में इस तरह का मिलता है। अभी तो गाँवों में भी इस तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। कई जगह लोग बिना सोचे समझे गंदगी फैलाते हैं और उसे कभी नहीं सोचते कि किस तरह से यह साफ़ होगा। इसके अलावा यहाँ पर इसमें और एक पिक्चर दिया हुआ है, देख रहे हैं आप, इस पिक्चर को पहचानते होंगे। ये है एफिल टावर और यह पेरिस में है। तो पता नहीं इस चैप्टर में क्यों इसका पिक्चर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम लोगों को ये पढ़ना होगा इस चैप्टर को, उसके बाद हम लोगों को समझ में आएगा कि ये क्यों दिया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं, कौन सा चैप्टर है ये। ये क्लास फाइव का इंग्लिश बुक है, चैप्टर 17 है, और चैप्टर का नाम है क्लिनलीनेस। और क्लिनलीनेस का मतलब होता है स्वच्छता, साफ सफाई। तो उसी से संबंधित यह एक पोयम है, बहुत प्यारा सा पोयम है। इसको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि यह पोयम हम लोगों को क्या कह रहा है। तो आइए हम लोग इस पोयम को पढ़ते हैं। This city is dirty, was their remark. People ease themselves on road sides and in public parks. इसका मतलब है, यह नगर गंदा है, क्या इस नगर के बारे में यही कहा जाता था? क्या यही इसकी पहचान थी? शहर के इस गंदे वातावरण से परेशान होकर लोग अपने आप को राहत देने के लिए रोड साइड या पब्लिक पार्क्स में घूमने चले जाते हैं। There is garbage everywhere. We throw it without a second thought. Thou to be clean from childhood we are taught. Sip the fruity, munch the chips, throw the wrappers on the ground. Why alone I should bother when there is so much garbage all around? यहाँ पे पोइट बतला रहा है कि हर तरफ कचरा है, वहाँ भी गंदगी है, पार्क्स में, रोड साइड में, वहाँ भी गंदगी है। हम लोग बिना एक सेकेंड सोचे इसे फेंक देते हैं। यद्यपि साफ रहने के लिए हमें बचपन से सिखाया जाता है, फ्रूटी को चूसते हैं, चिप्स खाते हैं, उसके रेपर, उसके खोली जो होता है उसको जहाँ तहाँ ज़मीन पे फेंक देते हैं। पोइट आगे कह रहा है, क्या मैं ही अकेले क्या हूँ? क्या मुझे ही परेशान होना चाहिए? क्या मैं ही परेशान होता हूँ इससे? लोग ऐसा ही सोचते हैं जब चारों ओर कचरा का ढेर लग जाता है। और आगे है, हु थ्रो द गार्बेज, नॉट मी, नॉट मी, नॉट मी, द प्लेस कांट बी पेरिस, वाई कांट यू सी, Is it difficult to make it perish? If we have will to do so, keep the city clean. Don't be your oven foe. किसने कचरा फेंका? यह सवाल आता है जब शहर में बहुत सारा कचरे का ढेर लग जाता है। कोई बाहरी आदमी तो नहीं आता कचरा फेंकने? जब यह सवाल किया जाता है तो सभी कहते हैं, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। फिर लोग कहते हैं, यह जगह थोड़ी ही पेरिस बन जाएगा। जब उसे कहा जाता है कि इस तरह की गंदगी मत फैलाओ, तो वो इसके जवाब में कहते हैं कि यह शहर जो है वह पेरिस की तरह साफ नहीं हो जाएगा। कभी आगे बता रहे हैं कि हम क्यों नहीं सोच पाते कि इसे भी पेरिस बनाया जा सकता है? हमें क्यों नहीं दिखाई पड़ता? क्या इसे पेरिस बनाना इतना मुश्किल है? यदि हम ऐसा करना चाह लें और अपने शहर को साफ रखें तो ऐसा जरूर हो जाएगा। गंदगी फैलाकर आप स्वयं का दुश्मन न बने। तो पोएट यहाँ पर हम लोगों को ये एक लेसन देते हैं कि अगर गंदगी हम फैलाते हैं तो उससे हमें ही नुकसान होगा, हमें ही परेशानी उठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। आइए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यहाँ पे इस चैप्टर में आने वाला ये वर्ड्स है जिसको आप लोगों को पढ़कर याद कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर वन में इस चैप्टर का मेन क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चंस। टू नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स। तो इस चैप्टर को अगर पढ़कर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम होता है तो आप टू नंबर में जो ये दिया हुआ है स्टोरी की तरह इसी चैप्टर को, तो इससे आप पढ़कर समझ सकते हैं। और यहाँ पे जो भरा हुआ है वो बिल्कुल सही भरा हुआ है, तो इसको आप देखकर पता चल जाएगा कि यह स्टोरी हमें क्या बताना चाहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, मेक सेंटेंसेस फ्रॉम विद द गिवन वर्ड्स। इस वर्ड से सेंटेंस बनाना है। तो मैं जो सेंटेंस बनाकर आपको दूंगा वो कोई जरूरी नहीं कि वही सेंटेंस होगा, आप अदर सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस भी इससे बना सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर फोर में मैच करने के लिए कहा गया है, ये वर्ड एक दूसरे के साथ किस वर्ड के साथ मिलते हैं, किससे रिलेटेड है, इस तरह का मैचिंग करने के लिए कहा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, यहाँ पे कंजक्शन को अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगाया गया है वो बिल्कुल सही है। इसके अलावा मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दूंगा। और क्वेश्चन नंबर सिक्स में जो सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर ये सेंटेंस को ठीक करना है, ये रीअरेंज करना है, रीराइट, ये सही से लिखा हुआ नहीं है। इसके अलावा यहाँ जो वर्ड दिया हुआ है इसको इसके साथ ऐड कर लेना है, उस तरह से सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स का हाफ पार्ट यहाँ दिया हुआ है, और क्वेश्चन नंबर सेवन में सुटेबल वर्ड्स, यहाँ पे
जो वर्ड्स दिया हुआ है उसमें से एक सही है जिसको भरना है। जैसे कि यहाँ पे दोनों वर्ड्स जो है पीस पढ़ा जाएगा और ये भी पीस पढ़ा जाएगा, तो यहाँ पे कौन सा पीस भरना है इस तरह से चूज करके भरना है। तो आइए मैं आप लोगों को सारे क्वेश्चन का आंसर बना के देता हूँ। ये है चैप्टर 17 का क्वेश्चन आंसर। आंसर दिस क्वेश्चंस। व्हाट वाज द रिमार्क अबाउट द सिटी? द रिमार्क वाज अबाउट द सिटी दैट दिस सिटी इज डर्टी। वेयर इज द गार्बेज? देर इज गार्बेज ऑन द रोड साइड, पब्लिक पार्क्स एंड एवरीवेयर। What are we taught from childhood? We are taught from childhood to be clean. Where do people throw wrappers? People throw wrappers on the ground. Who can make the city clean? We can make our city clean. How can we make our city clean? We should have a strong desire to make our city clean. Question number 2 में fill in the blanks दिया हुआ है, जिसमें एक कहानी जैसा दिया हुआ है, इसी पोएम को कहानी की तरह दिया हुआ है और उसमें बीच बीच में ब्लैंक्स दिया हुआ है, तो उस जगह में ये सारे वर्ड्स जो है वो सीरियल नंबर से भर जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में सेंटेंस बनाना है, जो वर्ड्स दिया हुआ है तो यहाँ पे सेंटेंस बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मैच करना है, तो उसका डायरेक्ट यहाँ पे आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर इसके अनुसार अपने बुक में मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें कंजक्शन को अंडरलाइन करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स लिखा हुआ है उसी वर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर देना है, ये कंजक्शन है। और क्वेश्चन नंबर 6, राइट द सेंटेंसेस यूजिंग द एडवर्ब इन इट्स प्रॉपर प्लेस। इसमें सेंटेंस को रीराइट करने के लिए कहा गया है और अलग से जो एडवर्ब शब्द दिया हुआ है उसमें उसको ऐड करना है, तो ये सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है, आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स। सूटेबल वर्ड को चुनकर इसमें भरना है, यहाँ पे तो डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर भर सकते हैं। और यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिल रहा है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।